नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो सेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज 23 मई 2022 से लेके 29 मई 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरुआत करती है मेष। इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ाने की समस्या परेशान कर सकती है, ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रह सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 12वें भाव में स्थित है। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी भी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इस यात्रा पर जाते समय आपको सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करनी पड़ेगी, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करना है आपको, प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि किसी न किसी कारणवश आपका प्रिय कुछ परेशान ही रहेगा, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि उनकी नाराजगी के बावजूद भी आप अपने प्रयास जारी रखते हुए उनके सक्षम अपना प्यार जाहिर करते रहें। इससे उनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। आपकी राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह रोमांस और प्रेम अस्थायी रूप आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आप एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हर नाराजगी को खत्म करना ही आपके लिए समझदारी भरा कदम सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आए और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल इस्टेट और वित्तीय लेन देन के बेहद शुभ है, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचे, और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, ना कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। इस सप्ताह करियर में आपको मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूलते हुए खुद को आहत कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ होने की आशंका अधिक हो। तो आपको उपाय क्या करना है, 11 बार ओम श्री दुर्गाय नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपके ऊपर कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेवारियों का भार आपको तनाव दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने प्रिय के साथ समय बिताते हुए उनकी बाहों में खुशी आराम और उल्लास भरे पल व्यतीत कर अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करिए। हालांकि इस दौरान आपका कुछ काम दरकिनार भी हो सकता है। रोमानी नजरिए से आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आएगा, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव में राहु स्थित है। इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, क्योंकि इससे आपको स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकेंगे। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपने अपने बड़े भाई या बहन किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था
तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार करते। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही इस प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह आपको अपने आप पर काबू रखना होगा और आपके संगी के बीच किसी तीसरे को आने देने से रोकना होगा। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई समस्या चल रही है तो उसके बारे में किसी तीसरे को ना बताएं, अन्यथा संभव है कि वो व्यक्ति आपका फायदा उठाते हुए आपकी परेशानी और बढ़ा दे। नवविवाहित जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप अपनी फैमिली प्लानिंग करने का मन बना सकते हैं। हालांकि इस बारे में सोचने से पहले आपको अपनी इस इच्छा के बारे में साथी को भी बताने की जरूरत होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्क राशि की तरफ। इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके पास धन तो होगा परंतु किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि शनि सातवें और आठवें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के आठवें भाव में स्थित है। इसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचे और खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं, बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप ना चाहते हुए उन्हें आहत कर सकते हैं कामकाज के लिहाज से। ये सप्ताह पूर्व से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खास तौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करें। विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। तो उपाय क्या करना है आपको? सोमवार के दिन मंदिर में देवी दुर्गा के लिए तेल का दीपक जलाएं। प्रेम राशि फल है आपका। प्रेम संबंधों में आपके अस्थिर स्वभाव के चलते ना चाहते हुए भी आपका इस सप्ताह अपने प्रिय के साथ मतभेद हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता दिखाई देगा और आप किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा सकेंगे। आपको इस सप्ताह अपनी गतिविधियों में सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उनके चलते आपका जीवन साथी आप पर शक करे, जिसके कारण आप खुद को साथी के अतरंगी सवालों से घिरा हुआ महसूस करेंगे। तो सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करते व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को मनचाहे कॉलेज अथवा कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकेगी। तो उपाय क्या करना है आपको? 108 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। कामकाज में व्यस्तता के चलते इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में रोमांस को दरकिनार होना पड़ेगा, जिससे आपका प्रेमी आपसे झगड़ा कर सकता है, ऐसे में उनसे लड़ने की जगह उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें समय दें। ये सप्ताह कई वैवाहिक जातकों के जीवन का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान खासतौर से वो शादीशुदा जातक
जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे उन्हें कई परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले। इस समय आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही इससे आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से भी होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले निवेश से जुड़ी हर अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्य क्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, क्योंकि बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के सातवें भाव में स्थित है। इससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दुगना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खास तौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इससे किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहे। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन लक्ष्मी नारायण के लिए हवन करें। प्रेम एक अद्वितीय एहसास है, यह आपको इस सप्ताह समझ आ सकता है। लव मेट के साथ आप करीबी महसूस करेंगे और उनके साथ अपनी भावनाओं को भी साझा करेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक अभी सिंगल थे उनके जीवन में भी कोई खास दस्तक दे सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान ले। विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए व नन्हे मेहमान की दस्तक इस सप्ताह हो सकती है। अपने जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम में इजाफा होगा और आप उनके साथ खास समय व्यतीत करने की इच्छा जताते दिखाई देंगे। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना होने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकती है। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है, क्योंकि केतु आपके लग्न भाव में स्थित है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचे। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाए और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने की भी योग बन रहे हैं। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नरसिंह की पूजा करें। तो प्रेम राशि फल है आपका। सिंगल जातकों को इस सप्ताह किसी भी खास व्यक्ति के प्रति अपनी दिल की भावनाओं को लेकर हर किसी से बात करने से बचना होगा, अन्यथा संभव है कि आप अपना दोस्त समझकर जिससे अपने दिल की बात साझा करें वो आपको धोखा देते हुए आपका खेल खराब कर दे। अपने जीवन साथी के साथ आपका भावनात्मक बंधन इस सप्ताह कुछ कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, जिसके पीछे का कारण आप दोनों के बीच किसी तीसरे बाहरी शख्स का हस्तक्षेप करना हो सकता है। तो वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इनहेलर को पास रखिए। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा। परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र में बाहर निकालते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। जिन लोगों ने कई निवेश किया था उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है।
इसलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका तजुर्बा अपनाएं। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय बिताने करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के पांचवें भाव में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेल कूद में करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते हुए सावधानी बरतें। जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहाँ जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर ले, अन्यथा आप इस मौके को गवा भी सकते हैं। तो उपाय क्या करना है आपको, 108 बार ओम केतने नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आप अपने संगी की भावनाओं को समझ पाने में सफल होंगे, साथ ही आपका संगी भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसे महत्व देगा। हालांकि इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे के प्रयासों में भी कमी निकालने से बचना होगा, अन्यथा बातचीत के दौरान वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई बेहद खुशनसीबी लेकर आई है, क्योंकि इस समय आपको अपने जीवन में साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र में निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं। आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, अन्यथा जरूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशनल महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। तो उपाय क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन वृद्ध लोगों को दही चावल का दान करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आप चाहकर भी अपने प्रेमी से मिलने में असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के प्रेम और रोमांस में बाधा आएगी। इसके पीछे का कारण आप दोनों में से किसी के परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है। इस सप्ताह संभव है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के चलते आप बिना किसी बात के अपने जीवन साथी से झगड़ा करें, जिससे आप अपने साथी का विश्वास और उनका समर्थन खो सकते हैं। तो मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि शनि कुंडली के दूसरे भाव में पहले और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझुलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक है, उनकी विदेश गमन की संभावना, अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो उपाय क्या करना है आपको, 21 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से जीवन में आपको सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वहीं यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों से बचकर चल रहे थे, तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में बंधने की कोशिश करेंगे या करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से संभव है। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक आप अपनी
भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि सत्ता आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिसे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना, गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना या आदि, क्योंकि इन कार्यों को करने से न केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे, क्योंकि शनि कुंडली के लग्न भाव में पहले और बारहवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बड़ा हुआ दिखाई दे। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका। लवमेट के साथ वक्त गुजारकर आप इस सप्ताह जीवन की परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट आप पूरी तरह से समझेगा और अनुकूल व्यवहार करेगा। यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान हो सकती है। आपके प्रेम जीवन को इस समय ऊंचाइयां मिलेंगी। लवमेट के साथ अतरंग क्षण बिताने का भी आपको मौका मिल सकता है। ये सप्ताह शादीशुदा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। तो मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उनमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के लग्न भाव में पहले और दसवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। यह सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन पारिवारिक माहौल में सकारात्मकता लेकर आएगा, जिसके कारण आपको सामान्य से अधिक समय घर पर बिताने का, सदस्यों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। तो उपाय क्या करना है आपको? 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी राशि वालों को प्रेम जीवन में इस सप्ताह उत्तम फल मिलेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर इस दौरान प्रेम की हवा बहेगी और आपके प्रेम के रिश्ते में नई ऊंचाइयां आएंगी, जिस कारण आप दोनों में रोमांस की वृद्धि होगी। साथ ही आप आपस में रोमानी पल बिताते हुए रिश्ते को अधिक मजबूत करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इस सप्ताह आपको जीवन साथी से कोई बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिसके कारण आप अपनी किसी आर्थिक समस्या से निकलने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इससे आपकी नजरों में साथी की उपाधि तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई उपहार देकर आप उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री कृष्णा। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।